أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما आज की गुफ्तगू का मौजू है सीरत हज़रत अबू तालिब। वैसे तो इनकी वफात पिछले दिनों गुजरी है, लेकिन चूंकि उस दिन आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो तवील हो गया था, जिसकी वजह से जनाब अबू तालिब पे गुफ्तगू ना हो सकी, लेकिन दरख्वास्त की गई कि इस मौजू को ले लिया जाए, क्योंकि शख्सियत बड़ी हमगीर, बड़ी अहम और अफसोस के साथ के मुतनाज़ ही है। चुनाचा जनाब अबू तालिब की पे गुफ्तगू करने से पहले कुरान की आयत सूरह अनफाल की आयत नंबर 17 का तस्करा करेंगे, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा, कि वो जो कंकरियां तुमने मारी थी तुमने नहीं मारी थी बल्कि अल्लाह ने मारी थी। ये इशारा है रसूलुल्लाह के उस अमल की तरफ कि जिसमें रसूलुल्लाह ने जंगे बदर में मौला अली को कहा कि मेरे हाथ में कुछ संगरेजे दो। मौला अली ने उनके हाथ में चंद संगरेजे दिए और रसूलुल्लाह ने वो संगरेजे काफिरों की तरफ फेंके और ये कहा कि तुम्हारा मुंह सयाह हो, और उसके बाद वो संगरेजे उनके आँखों में पड़े और वो वहाँ से राह फरार इख्तियार करते हुए बने। यानी अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है कि रसूल वो संगरेजे तुमने नहीं मारे बल्कि हमने मारे। यानी अल्लाह ताला को अगर किसी का फेल पसंद आ जाए और उस फेल में उस शख्स की खुलूस नीयत शामिल हो तो अल्लाह ताला उस शख्स के फेल को अपना लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, ओन कर लेता है, कहता है कि तुमने नहीं किया ये काम, ये मैंने किया ये काम। और इसी तरह अगर हम सूरह अज़्ज़ुहा आयत नंबर 6 की तरफ जाएं तो अल्लाह ताला फरमाता है अलम यजिद का यतीमन फआवा, ए रसूल जब तुम यतीम थे तो हमने तुमको पनाह दी। तो क्या रसूलुल्लाह को पनाह देने वाला अल्लाह था? जी नहीं, रसूलुल्लाह को पनाह देने वाले रसूलुल्लाह के चचा हजरत अबू तालिब थे, कि जिनकी पनाह को अल्लाह ताला ने अपनी पनाह करार दिया। तो जिस तरह सूरह अनफाल आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के फेल को अपना फेल कहा, चुनाचा सूरह अज़्ज़ुहा में अल्लाह ताला ने अबू तालिब के फेल को, यानी रसूलुल्लाह के पनाह देने के फेल को, रसूलुल्लाह की परवरिश के फेल को अपना फेल करार दिया। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ अहादीस में किसी यतीम की परवरिश के बारे में कितने फजाइल वारिद हुए। खुद सही बुखारी में एक हदीस में आया है कि रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी यतीम की परवरिश करेगा तो वो मेरे साथ कयामत के दिन इस तरह होगा जैसे हाथ की दो उंगलियां, और रसूलल्लाह ने इशारा करके दिखाया। तो जो शख्स किसी यतीम की परवरिश करे तो वो रसूल के साथ जो इसी यतीम की परवरिश करे, यानी खुद रसूलल्लाह की परवरिश करे, तो वो रसूलुल्लाह के कितने करीब हो। और जनाब अबू तालिब की ये परवरिश जो तकरीबन 44 साल जारी रही, हजरत अबू तालिब ने रसूलुल्लाह को 6 साल की उम्र में अडॉप्ट किया, परवरिश के उनकी जिम्मेदारी ली, और उसके बाद हिजरत मदीना से 3 साल पहले रसूलुल्लाह की उम्र 50 साल थी, 6 साल में आपने लिया, तकरीबन 44 साल रसूलुल्लाह की जिंदगी के हजरत अबू तालिब ने उनको अपनी जेर साया परवरिश में गुजरवाए। तब अंदाजा लगा सकते हैं कि रसूलुल्लाह की इल्म, रसूलुल्लाह की जिंदगी का इंतहाई जिसे कहते हैं कि अहम और तवील दौर खुद हजरत अबू तालिब की परवरिश में गुजरा। और ये परवरिश इतनी ज्यादा थी कि जब रसूलुल्लाह
कि चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ और उसके बाद एक महीने के वक्फे से जनाब खदीजा का, तो उस साल को लोगों ने आमुल हुजन का साल करार दिया और उसको गम के तौर पे बनाया। तो रसूलुल्लाह ही को हजरत अबू तालिब की मारिफत नहीं थी, उस जमाने में रसूलुल्लाह के असहाब को भी मारिफत दी और रसूलुल्लाह के इस रिश्ते इस ताल्लुक को वो भी समझा करते थे कि रसूलुल्लाह पे तरबे दो सदमे कैसे सहेंगे। चुनाचा आओ हम रसूलुल्लाह के इस इन इन सदमात को इस इन इन दो गमों को शेयर करें। न सिर्फ ये कि लोगों ने महसूस किया बल्कि खुद खुदावंद मुताल ने महसूस किया। चुनाचा हज़रत जबराइल को वही देकर भेजा कि रसूल को कहो कि रसूल अब मक्का रहने वाली जगह नहीं रही। चुनाचा जबराइल वही लेकर आए कि अब हिजरत की तैयारियां शुरू कर दें। रसूलुल्लाह ने हिजरत की तैयारियां मनसूबाबंदियां शुरू कर दी और 3 साल बाद मदीने से हिजरत कर गए। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, मक्के में रसूल की हिफाजत का जिम्मा अबू तालिब के हिस्से में, तो मदीने में अली इब्न अबी तालिब के हिस्से में। मक्के की हिफाजत की या हिफाजत रसूल की सुन्नत को अबू तालिब के बेटे अली ने मदीने में जिंदा रखा। और क्या होना चाहिए? कुरान की सूरह रहमान आयत नंबर 60 के तहत हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, हमें रसूल के इस मोहसिन को अच्छे नामों से याद करना चाहिए। एहसान की जजा इसके सिवा क्या हो सकती है कि सिवाय उस पर एहसान किया जाए जिसने उन पर एहसान किया। एहसान की जजा एहसान के सिवा और क्या हो सकती है? चुनाचा इंसानियत पर एहसान करने वाले रसूल को अगर मोहसिन इंसानियत कहा जाए तो जरूरी है कि इस्लाम पर एहसान करने वाले को मोहसिन इस्लाम कहा जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि लोगों ने न सिर्फ ये कि उनके एहसान का बदला एहसान से नहीं दिया बल्कि उल्टा इल्ज़ाम लगा कर उनकी शख्सियत को मुतनाज़ा और मस्त शुदा बनाने की कोशिश की। और इल्ज़ाम भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा, क्योंकि शख्सियत बड़ी थी तो ज़रूरी था इल्ज़ाम भी बड़ा लगाया जाए। चुनाचा हज़रत अबू तालिब पे इल्ज़ाम कुफ्र लगाया गया और ये कोई नई बात नहीं, ऐसा इल्ज़ाम हज़रत अली पे लगाया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हज़रत अली पर गैरों ने इल्ज़ाम लगाया और अबू तालिब पे अपनों ने इल्ज़ाम लगाया। अली पे इल्ज़ाम लगाने वालों को खवारिज कह दिया गया, कलाबुल नार जहन्नम के कुत्ते, इस्लाम से खारिज कह दिया गया। लेकिन अफसोस के साथ कलमा गो मुसलमानों ने हज़रत अबू तालिब की शख्सियत को मुतनाज़ा बनाया और इल्ज़ाम लगाया। और कुछ लोग कहा करते हैं और शायद सही कहा करते हैं कि शायद ये बुग़्ज़े अली का नतीजा था कि जहां अली की शख्सियत को मस्ख किया गया, मुतनाज़ा बनाया गया और उनकी फजीलत मुकाम व मर्तबे को कम करने की नाकाम कोशिश की गई, वहां पर कोशिश ये की गई कि हज़रत अली के हसब नसब और वालिद और आबाओ अजदाद को किसी तरह लोगों की नज़रों में कमतर बनाकर पेश किया जाए। चुनाचा इस साजिश में ना अली के खिलाफ कुफ्र के फतवे लगाने वाले कामयाब हुए और ना अली के वालिद हज़रत अबू तालिब के बारे में कुफ्र के फतवे लगाने वाले कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबू तालिब की मारिफत, उनका मुकाम, उनका मर्तबा उनके चाहने वालों की नज़रों में आज तक वही है कि जो होना चाहिए, जो रसूलुल्लाह की निगाह में था। और आए दिन गाहे बगाहे हम इस मारिफत को जिंदा करते रहेंगे, लोगों तक इसका पैगाम पहुंचाते रहेंगे। चुनाचा आइए आज हम हज़रत अबू तालिब की शख्सियत के हवाले से कुछ मालूमात, कुछ मारिफत हासिल करते हैं। गुफ्तगू का पहला मरहला तारुफ अबू तालिब, गुफ्तगू का दूसरा मरहला
قبل اسلام حضرت ابو طالب کی زندگی, اس کے بعد پرورش رسول میں حضرت ابو طالب نے کیا کیا قربانیاں دی, وقت شہادت حضرت ابو طالب نے کس طرح اقرار اسلام کیا, پانچویں مرحلے میں معصومین کی گواہی حضرت ابو طالب کے سلسلے میں, پھر علماء اہل سنت حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, غلط روایات کا بطلان, اور سب سے آخر میں کلام آخر. گفتگو کا پہلا مرحلہ تعارف, ایک درود پڑھ دیں محمد والے پر. حضرت ابو طالب کی ولادت 535 عیسوی, یعنی رسول اللہ کی ولادت سے 35 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی. شہادت کے حوالے سے کئی تواریخ ہیں, 26 ربیع الاول جو ابھی گزری ہے کچھ دنوں پہلے, 26 رجب ایک تاریخ ہے, 15 شوال ایک تاریخ ہے, 1 ذی قعدہ ایک تاریخ ہے. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 تواریخ کیوں, تو یہ سوال بی بی سیدہ کے حوالے سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی شہادت بھی 2 تواریخ کے حساب سے منائی جاتی ہے, اور علماء عالم یہی کہتے ہیں کہ شاید اللہ کی مصلحت تھی کہ بی بی کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہو, اور غالباً ابو طالب کے بارے میں بھی خدا کی مصلحت یہ ہو کہ اگر 4 تاریخ شہادت ہوگی تو 4 ایام میں سال میں 4 مرتبہ ابو طالب کا تذکرہ ہوگا, ان کا غم منایا جائے گا. تو جب رسول کے اصحاب پورے سال ابو طالب کا غم منا سکتے ہیں, تو ابو طالب کے چاہنے والے 4 دنوں میں ابو طالب کا غم کیوں نہیں منا سکتے. بعثت کیا 10واں سال تھا کہ جب آپ کی شہادت ہوئی, اور آپ کی شہادت ہی ہجرت کے لیے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب بنا. نام عبد المناف اور عمران کے نام سے بھی مشہور ہے, کنیت ان کی ابو طالب ہے, سب سے بڑے بیٹے طالب کے حوالے سے بہت زیادہ حالات ہمیں نہیں معلوم. تواریخ میں آیا ہے کہ جنگ بدر میں کفاروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے خلاف لڑے, اور آپ راستے میں فرار ہو گئے. ان کے آخری اشعار جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں ان کے ترجمے کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ کفار جو مجھے زبردستی لے جانا چاہتے ہیں, میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہار جائیں, شکست دوچار ہوں اور شرمندہ ہوں. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے طالب بھی حضرت ابو طالب کے کیمپ سے تعلق رکھتے تھے اور مومن تھے. العام میں سید البطحا ان کا لقب ہے, سید یعنی سردار, بطحا زمین کو کہتے ہیں, ایسی چٹیل میدان والی زمین کہ جس میں پانی کی گزرگاہ شامل ہو, کشادہ زمین کو بھی کہا جاتا ہے. خود مکہ مکرمہ کو بطحا کہا جاتا ہے کیونکہ مکہ مکرمہ سے آب زمزم, چائے زمزم, چشمہ زمزم گزرتا ہے, اور یہ وہاں کے سردار تھے اپنے باپ حضرت عبد المطلب کے بعد سردار بنے, اور نہ صرف سردار بنے بلکہ حاجیوں کی میزبانی بھی ان کے ذمہ آئی. والد عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی, ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ کے والد, ان کے دادا, ان کے پردادا, تمام افراد اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک حامل ایمان تھے. حضرت ابو طالب تو بہت دور کی بات. والدہ فاطمہ بنت عمر مخزومی جو کہ حضرت عبداللہ کی بھی والدہ تھی, یعنی حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد. چنانچہ حضرت علی کے والد ابو طالب اور رسول اللہ کے والد جناب عبداللہ دونوں کی والدہ ایک ہی تھی. اور یہ بھی جان لیجئے کہ ابو لہب رسول اللہ کا سوتیلا چچا تھا. یہ بھی قدرت کی ایک مصلحت تھی کہ دونوں نوروں کے اجداد کو ایک ہی والدہ سے, ایک ہی عورت سے پیدا کیا.
زوجہ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ہاشم کے دو بیٹے تھے اسد اور عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب اور اسد جو کہ ہاشم کے بیٹے تھے ان کی بیٹی فاطمہ چنانچہ حضرت علی اور حضرت علی کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں آگے چل کر بنی ہاشم کے جو سردار ہیں جناب ہاشم سے مل جاتے ہیں تو حضرت علی ماں اور باپ دونوں طرف سے بنی ہاشم ہیں دونوں طرف سے علوی ہیں آپ کی اولادوں میں سات اولادیں ملتی ہیں چار بیٹے تین بیٹیاں چار بیٹوں میں طالب بڑے بیٹے جن کی کنیت ابو طالب کی وجہ سے آپ مشہور ہوئے جناب عقیل مسلم بن عقیل کے والد جو سفیر حسین کہلاتے ہیں اور کوفے میں امام حسین کی آمد سے پہلے شہید کر دیے گئے جناب جعفر پورا نام جعفر طیار اور طیار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے یعنی پرواز کرنے والا کہ جنت میں ان کو دو پر دیے جائیں گے کیونکہ جنگ موتا میں ان کے دونوں بازو علم کر دیے گئے تھے چنانچہ بازو کی شہادت خود اپنی شہادت سے پہلے دینے کی سنت بنی ہاشم میں پرانی ہے جنگ موتا میں جناب جعفر طیار نے اپنے دونوں بازو دیے اور حضرت عباس نے کربلا میں اپنے دونوں بازو دیے علی ابن ابی طالب کے بارے میں آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں تو آپ نے دیکھا کہ تمام بیٹے اپنی حیثیت اپنی فضیلت میں یکانہ تھے تین بیٹیاں ام ہانی جمانہ اور ربدہ ام ہانی کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ وہ خاتون تھیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جن کے گھر سے رسول اللہ نے شب معراج کا سفر طے کیا شروع کیا تو یہ سات اولادیں تھیں حضرت ابو طالب کی جناب عقیل کی اولادیں جناب جعفر کی اولادیں خود حضرت علی کی اولادیں تمام کی تمام کربلا میں جو ہیں شہادت دیتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے نظر آتی ہیں ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ قبل اسلام حضرت ابو طالب کے حوالے سے گفتگو ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد اسلام سے پہلے ہمیں بہت زیادہ تفصیلات تو نہیں معلوم حضرت ابو طالب کی ہاں یہ معلوم ہے کہ تاریخ میں کسی بھی باب پہ کسی بھی صفحے پہ کسی بھی سطر پہ آپ کی بت پرستی شراب نوشی جوئے کا تذکرہ نہیں ملتا نہ اپنوں کی کتابوں میں نہ اغیار کی کتابوں میں چنانچہ اگر حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں تو کفر بھی ثابت نہیں یہ بات اب ثابت ہو گئی مسلمہ ہو گئی کہ حضرت ابو طالب کا اگر ایمان کا ثابت نہیں تو کفر بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا پیشے کے حوالے سے تاجر تھے گندم اور عطریات پرفیومز کی تجارت کیا کرتے تھے گندم انسان کی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت عطریات انسان کی زینتوں میں سے ایک اہم ضرورت اور ایسی زینت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خوشبیات یا معطریات یا عطریات میں اسراف نہیں جس کو لگا کہ آدمی نماز پڑھے تو نماز کی افضلیت میں نماز کے درجے میں نماز کے فائدے میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تجارت اپنے لیے نہیں کی بلکہ اپنے لوگوں کے لیے کی مکے کے رہنے والوں کے لیے کی باقاعدہ ایک تجارتی نمائندے ایجنٹ بن کر انہوں نے ملک ملک سفر کیا مثلا یمن شام مصر لبنان وغیرہ اور وہاں جا کے لوگوں کو اس بات میں قائل کیا کہ بھئی آپ ہر سال حج کے موقع پہ عمرے کے موقع پر خانہ کعبہ کی زیارت کو تو آتے ہیں اچھا اس زمانے میں حج عمرہ اپنی اپنے انداز سے ہوا کرتا تھا لوگ بہرحال اسلام سے تو ناشنا تھے لیکن اپنے طور پہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ بہرحال یہ خدا کا گھر ہے عظیم مقدس عبادت گاہ ہے چنانچہ مسلمان تو کیا کئی عیسائی بھی آیا کرتے اسی لیے ابراہا نے
खाने काबा पे लश्कर कशी की थी कि खुद ईसाई लोग भी इस घर की अजमत के मुताबिक थे। तो हजरत मुतालिब ने उनको इस बात पे आई किया कि भाई आप हज उमरा ज्यारत वगैरह के लिए तो आते हैं, जब आप आए तो अपनी अपनी सौगात अपने साथ लेकर हम में से जो खरीदार होंगे वो आपके माल को खरीदेंगे, उनको शाम या लेबनान नहीं आना पड़ेगा, मिस्र नहीं आना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि यमन के लोग अपनी सौगात मिस्र के लोगों को, मिस्र के लोग अपनी सौगात शाम के लोगों को बेचें, मतलब यमन की चादरें शाम के लोगों को बेचें और शाम से जो है वो कॉटन खरीदें मिस्र से, और मिस्र के लोग शाम को जो है अपने कॉटन बेचें और शाम के लोग अपने खुश्क मेवे, यानी अपनी अपनी सौगात के लिए एक दूसरे ममालिक जाने की जरूरत नहीं है। मक्के मौजमा जब आप आए तो वो खुद तजारती मरकज बन जाएगा खुद ब खुद, और खुद मक्के वाले भी अपनी चीजें अपनी सौगात बेच सकते हैं, मसलन खजूरें वगैरह। तो इस तरह मक्के मौजमा उस जमाने का एक बिजनेस हब बन गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल दुबई यूएई के शेखों ने ये काम किया कि अपने क्लाइंट्स को ये कहा कि आप यहाँ पे पेट्रोल भरवा सकते हैं हम डिस्काउंट पे देंगे, आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं हम ड्यूटी फ्री शॉप्स लगाएंगे। चुनाचा परवाजों ने वहाँ पर आना शुरू किया, दुनिया का तो दूसरा या तीसरा बड़ा एयरपोर्ट बन गया, और इस बहाने उनकी बिजनेस उनका जो है मईशत को इस्तेहकाम मिला। तो हजरत अबू तालिब की बिजनेस स्ट्रेटजी से न सिर्फ खुद उनको बल्कि मक्के वालों को ज्यादा फायदा हुआ। हजरत अबू तालिब फकत ताजर ही नहीं थे, और हमारे यहाँ तो मशहूर है अगर कोई आदमी ताजर हो बिजनेसमैन हो तो उसको शेर व शायरी या किसी फन से लगाव नहीं होता। हजरत तालिब की शायरी इतनी मशहूर है कि कहा जाता है कि अगर वो हजरत अली के वालिद ना होते या रसूलुल्लाह के चचा ना होते तो शायद मशहूर शायर के तौर पे मशहूर होते, ज़्यादा मशहूर होते, गुफ्तगू से ज़्यादा वो शायरी किया करते थे, और शायरी भी लहू लहू लायक वाली शायरी नहीं, एक ऐसी शायरी जिससे इंसान के ईमान को ताजगी मिले। हजरत अबू तालिब के 3000 अशआर फकत तौहीद परस्ती पर मुश्तमिल, फकत तौहीद 3000 अशआर, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितने हजार अशआर के मालिक होंगे। उनकी शेर व शायरी की बुलंदी का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जब निजाशी के दरबार में हबशा में पहली हिजरत हुई तो मक्के से अमर बिन अल-आस जो बाद में मुआविया का दस्तराज बना वो निजाशी के दरबार में पहुंचा और वहां पे निजाशी को कायल करने की कोशिश की कि ये लोग गुमराह हो गए हैं, इनको हमारे हवाले करो, ये बागी है। उसी वक्त हजरत अबू तालिब ने ये महसूस किया कि खतरा है कि निजाशी उनको यानी मुसलमानों को कुफार के हवाले कर दें। उन्होंने फौरन एक कासिद रवाना किया जिसको एक रुका दिया, उस रुके में पूरी मंजूम तहरीर थी कि जिसमें इस्लाम की खूबियों और सिफात का तज़किरा था कि हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए। निजाशी ने जब वो नज़म पढ़नी शुरू की तो वो लाजवाब होकर रह गया। अमर बिन अल-आस की तकरीर एक तरफ और हजरत अबू तालिब की नज़म और अशआर एक तरफ, फकत उनके अशआर पढ़कर वो कायल हुए बगैर ना रह सका, और जो कुछ रही कसर रही सही कसर थी वो उस हजरत अबू तालिब के बेटे जाफर तैयार की तकरीर ने पूरी कर दी, जिन्होंने सूरह मरियम को सरनामा कलाम बनाकर निजाशी को कायल किया। चुनाचा कुफार की तमाम तर कोशिशों में पानी फेरने वाले या तो बाप थे या बेटे, यानी हजरत अबू तालिब थे या उनके बेटे हजरत जाफर तैयार। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले बहादुर सिपाही, अमूमन शेर व शायरी का लड़ाई झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जब जिहाद की बात आएगी, जब मजलूम को हक दिलाने की बात आएगी तो लड़ाई झगड़ा फिर जिहाद कहलाएगा। बहुत बेहतरीन सिपाही, बहादुर सिपाही, इतने बहादुर सिपाही के मक्के के हर कबीले के लोग उनको अपने साथ जंग में ले जाना चाहते थे कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ लड़ना मत, फकत एक खेमे में बैठे रहना, तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारी हमायत हमारे लिए काफ़ी है हमारे दुश्मन को पिछाड़ने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी टीम में किसी मशहूर प्लेयर को शामिल कर दिया जाए,
ना उसको खिलाया जाए और ना उसे कोई खिदमत ली जाए, फकत नाम लिख दिया जाए अपने सामने वाले मुखालिफ अपोनेंट पर एक नफ्सियाती तासुर छोड़ने के लिए। और आपने देखा होगा फुटबॉल का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, किसी का भी मैच हो, वो मशहूर प्लेयर अगर किसी टीम में मौजूद होता है तो उसकी मौजूदगी काफी है टीम को जितवाने के लिए। तो हजरत अबू तालिब की मौजूदगी काफी होती थी। हाँ ये अलग बात है कि जब वो जाते थे तो इस बात का ख्याल रखते कि मैं हक परस्त हक वालों के साथ हूँ जो हक पर हूँ, और वो शराइत लगाते थे देखो औरतों और बच्चों पर हमला नहीं करना, ज़ईफ़ों को नहीं छेड़ना, जो फरार हो जाए उनका पीछा ना करना, दरख्तों को नुकसान नहीं पहुँचाना, यानी वो तमाम शराइत जो बाद में आगे चल के रसूलुल्लाह ने पेश की और जिसको इस्लाम का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया गया। कहा जाता है कि हमारे छठे इमाम से कहा गया है कि ये क्या बात है कि इब्राहिम तो नमरूद की आग में बेखौफ और खतर कूद पड़े, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है मेवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो फौरन कूद पड़े और मूसा अलैहिस्सलाम सांपों को देख के थोड़ा सा डर गए। तो इमाम ने जवाब दिया क्योंकि इब्राहिम के सुलब में हम अहले बैत का नूर शामिल था। तो जिसके सुलब में अली इब्ने अबी तालिब का नूर शामिल हो वो कैसे लम्हे भर के लिए भी डर सकता है। तो ये बहादुरी और सिपाहियानापन हजरत अली के आबाव अजदाद में शुरू ही से बदरजे वाला मौजूद था। ओहदे की हम बात करें, यकीनन ऐसा शख्स जो शायर भी हो, बहादुर भी हो, लोगों का खिदमत गुजार भी हो, उसको यह पहुंचता है कि वो सरदार बने। चुनाचा ओहदे सिपायत व रिफादत हज यानी हाजियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी और उनकी मेजबानी खाने पिलाने का इंतजाम ये आपकी जिम्मेदार। सैयदुल बदहा थे यानी जो सरदार होता है उसके जिम्मे हाजियों की निगरानी भी होता है, और ये लकब आज तक वहाँ के लोगों ने अपने पास रखा हुआ है, खादिमुल हरमैन व शरीफैन। ये अलग बात है, उसके साथ साथ वो कुछ और भी हैं यानी खादिमुल हरमैन व शरीफैन व अमरीकैन। तो उस जमाने में ऐसा नहीं था, हकीकत में वो खादिमुल हरमैन व शरीफैन थे इसलिए कि वो अपने ज़माने में पैसे नहीं लिया करते थे खाने पीने के। आप मक्के जाएं सबसे करीब तरीन जो जमजमा टावर है वहाँ ठहरे, 5 दिन के लिए 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब अंदाजा लगा लें हम 12 लाख, इस जैसे 14 टावर बन रहे 40 टावर्स बनेंगे, 40 टावर्स का अंदाजा लगा लें कितने लोग बैठेंगे और 12 लाख के हिसाब से क्या रेट होंगे। इस वक्त तो तकरीबन 70% रेवेन्यू आमदनी सऊदी अरब को तेल की मद में होती है, लेकिन आइंदा आने वाले दौर में उनकी नजरें जो है वो हज की आमदनी पर है, क्योंकि तेल की कीमत सऊदी अरब में 50% कम हो चुकी है। जो हालात चल रहे हैं जहां जगह जगह अपनी जो है टांग अड़ाई भी है उसके हवाले से 50% तेल की कीमत कम हो चुकी है। तेल, बिजली, गैस, पानी तमाम की कीमतें बढ़ गई। तेल की कीमत 50% ज्यादा हो गई, पेट्रोल की कीमत 50% ज्यादा हो गई, 50% सऊदी अरब में अभी रिसेंटली हुआ है, और तमाम बिल जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। अभी जो आने वाला दौर है उसमें इनको बड़ी मुश्किल आता है। दूसरी बात ये कि अमेरिका में जो ऑयल था एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है, पहले तो वो निकालते थे लेकिन अपने तक महदूद करते थे, अब उनकी तरफ से ये एम्बार्गो खत्म हो गया, सेल्फ एम्बार्गो उन्होंने लगाया था अपने आप को सेफ साइड करने के लिए, आने वाले दिनों में हमें इसकी तेल की जरूरत पड़ी ये ना हो कि खत्म हो जाए। तो दूसरों का तो तेल जो है उन्होंने तेल देख तेल की धार देख के मजदाक जो है उनकी बिजनेस को जो है बिल्कुल ठप कर दिया, और अब वो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उन्होंने अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आने वाले वक्तों में कुछ मालूम नहीं कि खादिमुल हरमैन व शरीफैन अमरीकन जाएंगे या ब्रिटेन। चलें आगे चलते हैं, हम तो बात कर रहे हैं ईमान अबू तालिब की, बल्कि यहाँ तो हमें रिवायतें मिलती हैं कि जब इमाम से पूछा गया कि ईसा के आखिरी वसी रसूल से पहले कौन थे,
तो जवाब मिला इमाम से, तो इमाम ने जवाब दिया खुद हजरत अबू तालिब ने। तो इमाम तो बहुत दूर की बात, यहां तो वसी दे। अब आइए हमारी गुफ्तगू का तीसरा मरहला परवरिश रसूल। एक दूर पर मोहम्मद वाले मेरे इमाम का जो भी गुलाम होता है निगाह हक में वो आली मुकाम होता है। किसी की कर दे अगर परवरिश अबू तालिब तो कम से कम वो नबी या इमाम होता है। परवरिश अबू तालिब के हवाले से जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब के वालिद का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और लोगों को खुसूसियत के साथ ताकीद की कि देखो मोहम्मद वो बच्चा है कि जिसको ना बाप की शफ़क़त मिली ना माँ का प्यार। चुनांचे तुम लोगों पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि तुम इसकी हिफाजत करो, इसको मोहब्बत दो, इसकी परवरिश करो। और खुसूसी तौर पर हज़रत अबू तालिब की ये जिम्मेदारी लगाई कि तुम्हें मोहम्मद को अपने साथ रखना है। खुसूसी तौर पर चार लोगों को हिदायत की कि तुम्हें रसूल के साथ साथ रहना है, जनाब अब्बास, जनाब हमजा, जनाब जाफर, जनाब अली। जनाब अब्बास चचा रसूलल्लाह के साथ साथ रहते थे, बैते उकबा अव्वल, बैते उकबा सानी जो रसूलल्लाह ने मदीने वालों के साथ की कि जिसके नतीजे में बैते अव्वल में 12 लोग, बैते सानी में 75 लोग ईमान लाए। रसूलल्लाह जब मक्के के लोगों से मायूस हो गए, मजीद कोई ईमान की जिसे कहते हैं कि उम्मीद नजर ना आई कबूल करने की, तो रस्ते में बैठ जाया करते थे हाजियों के और हज पे आने वालों के, ज्यारत करने वालों के, मक्के के काबे के, उनको तब्दील किया करते थे। तो मदीने के लोग भी आया करते थे, तो मदीने के लोगों ने जब आपसे बातें सुनी तो बहुत मुतासर हुए। 12 लोग इस्लाम लाए और रसूलल्लाह और अल्लाह की जो है वो शहादत दी। फिर 75 लोग ईमान लाए। फिर रसूलल्लाह से उन्होंने कहा कि आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जब हम जाकर अपने लोगों को ये बातें बतलाते हैं जो हमने सुनी थी उससे पहले, तो बहुत लोग मुतासर हुए थे और हम यकीन है अभी लोग मुतासर होंगे। लेकिन अगर आप खुद बनफ्स नफीस मदीने चले तो हमें यकीन है कसीर लोग आपके हाथ पर बैत कर लेंगे, ईमान ले आएंगे। हज़रत अब्बास सामने बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखो मोहम्मद तुम यहाँ पहले ही मुश्किलात से दुचार हो, मक्का तो तुम्हारा अपना मोहल्ला है, अपना घर है, यहाँ तुम जहमत में मुब्तला हो, लोगों के हाथों लोग तुम्हारे दुश्मन है, तो मदीना तो अजनबी जगह है, वहां क्या होगा। तो 75 लोगों ने फौरन कहा कि हमने दो चीजों पर बैत की, अल्लाह की वैदानियत और रसूल की रिसालत। अब हम तीसरी बैत करते हैं कि आपको मारने से पहले आपका दुश्मन पहले हमें कत्ल करेगा। जब ये तीसरी बैत की तो रसूल और जनाब अब्बास और उनके असहाब मुतमईन हुए और फिर उन्होंने हिजरत के लिए इरादा बांधा। तो हज़रत अब्बास वो शख्सियत थे कि जिन्होंने फतेह मक्का के वक्त बहुत बड़ा कताल होने से लोगों को बचाया कि जाकर मुसलमान आ जाते 10,000 का लश्कर हमला कर देता तो कई जाने, कई सौ जाने जाती। लेकिन वो फौरन अबू सुफियान के पास गए, बल्कि अबू सुफियान खुद जाना चाहता था, तो हज़रत अब्बास जो है अबू सुफियान को लेकर गए, वरना तो मदीने के लोग उनको मारने के लिए दौड़ पड़े थे। तो उन्होंने सब लोगों की तलवारों से अबू सुफियान को बचाया, रसूलल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अबू सुफियान को कहा कि अब भी वक्त है कि तुम ईमान ले आओ, तुम मक्के के सरदार हो, अगर तुम ईमान ले आए तो इंशाअल्लाह रसूलल्लाह तुमको भी माफ कर देंगे, मक्के वालों को भी माफ कर देंगे, मक्के वाले कसीर तादाद में इस्लाम ले आएंगे और मक्का बगैर अतल भारत के महफूज हाथों में चला जाएगा। तो ये उनकी हिकमत अमली थी जनाब अब्बास की, कि जिसकी वजह से जो है एक बहुत बड़ी जंग होने से बच गई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हज़रत अब्बास के आने वाले लोगों ने, आने वाली नस्लों ने, बनू अब्बास जिसे कहते हैं, उन्होंने जो है अहले बैत पर
मजालिम डाल। बहरहाल इसमें हजरत अब्बास का कोई कसूर नहीं, आने वाले लोगों ने ऐसा किया। तो हजरत अब्बास ने मर्द दम तक रसूलुल्लाह की हिफाजत में कोई दकीका फरोग गुजाश नहीं किया। जाफर तैयार के बारे में हम आपको बता चुके हैं और हजरत अली की शख्सियत अजर मिन शम्स। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शहादत के बाद हजरत अबू तालिब ने वाकई में रसूलुल्लाह की परवरिश का हक अदा किया। अलम यजिद का यतीमन फआवा, वाकई अल्लाह के लिए भी वाजिब हो गया था कि इस आयत के जरिए अबू तालिब के फेल को अपना फेल करार दे। हजरत अबू तालिब जहां जाते अपने साथ लेके जाते, जहां सोते अपने साथ सुलाते, अपने बिस्तर पे अपने बेटों को नहीं सुलाते रसूलुल्लाह को सुलाते, बल्कि रसूलुल्लाह के बिस्तर को तब्दील कर दिया करते थे हर रात, बल्कि बाद अवकात रात में कई बार, ताकि दुश्मन रसूलुल्लाह को कत्ल करने की गर्ज से आए तो ना कत्ल कर पाए। और ये सिलसिला रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक 50 साल जब हुई उस वक्त तक जारी रहा। 40 साल की उम्र में उन्होंने ऐलान रिसालत किया, उसके बाद 10 साल मक्के में, तो उससे पहले भी और उसके बाद भी, ऐलान रिसालत से पहले, ऐलान रिसालत के बाद, आप हमेशा रसूलुल्लाह को अपने साथ रखते थे। और उनको अंदाजा था कि किस तरह रसूलुल्लाह की जान जो है वो खतरे में है, चुनाचा अपने साथ जहां जाते वहां ले जाते। अभी हमने आपको बताया था कि जब ये बने थे सरदार, अमूमन होता ये है कि सरदार वो बनता है जो पैसे वाला होता है। मौला फरमाते हैं कि मेरा बाप मक्के का सरदार उस वक्त बना कि जब वो मुफलिस था, जब वो गरीब थे। हमारे एमएलए एमपी कौन बनता है? वही बनता है जिसके पास पजीरो हो, वही बनता है जिस पर गाड़ी कोटी हो, पैसा हो, और ना भी हो तो वो बना लेता है। हजरत अबू तालिब के पास ना पैसा था, ना दरमो दिनार था, और ना खादिमुल हरमैन के या खादिमुल हरम जिसे कहते हैं सैयदुल बतहा होने के बाद, सिकायतुल हज या रिफायतुल हज का ओहदा संभालने के बाद उनके पास पैसा आया। पहले साल उन्होंने 10,000 दिरहम कर्जा लिया, दूसरे साल फिर 10,000 दिरहम कर्जा लिया। होना तो ये चाहिए था 10,000 दिरहम कर्जा ले लिया, होना तो ये चाहिए था कि 10,000 कर्जा लिया तो अगले साल 20,000 बना लेते, फिर 30, फिर 40, नहीं दूसरे साल भी 10,000 कर्जा लेना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिजनेस के लिए हाजियों की खिदमत नहीं करते थे, प्रॉफिट नहीं लिया करते थे, उसका कोई एवज नहीं लिया करते थे। तीसरे साल फिर 10,000 दिरहम कर्जा लिया, चौथे साल मजीद 6,000, 16,000 तीसरे साल लिया, तो 36,000 दिरहम का कर्जा हो गया उस जमाने, बहुत बड़ी रकम थी। चुनाचा शाम का सफर करने का इरादा किया, रसूलुल्लाह को साथ लिया, और रस्ते में एक ईसाई पादरी बोहिरा से मुलाकात हुई कि जो कभी अपनी खानकाह से नहीं निकलता। उस जमाने में रसूलुल्लाह का जब काफिला वहां आया तो वो फौरन बाहर निकला और ये कहा कि जो भी काफिला आया उसको बुलाओ, मैं उसकी दावत करना चाहता हूं। लोग बड़े हैरान हुए कि आप तो कभी अपने उजरे से, अपनी खानकाह से बाहर नहीं निकलते, ये कौन इतने अहम लोग हैं? क्योंकि बोहिरा उस जमाने में ऐसे ही था, नऊज़ु बिल्लाह, यूं समझिए जैसे रसूल, उस जमाने में उनका नबी। तो बोहिरा ने कहा कि नहीं, मैं बड़ी अहम शख्सियत को इस काफिले में देख रहा हूं, मैंने देखा कि जहां जहां यह काफिला जाता वहां वहां बादल साया करता हुआ जाता। जहां ये काफिला जिस दरख्त के नीचे पड़ाव करता उस दरख्त की शाखें झुक जाती ताजीमन, तो यकीनन यहां पे इनके साथ कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि नबी है। मगर मैं दावत करना चाहता हूं, इन सबको बुलाओ। सब आ गए दावत पे, तो बोहिरा ने कहा कि क्या सब आ गए? उन्होंने कहा, नहीं, मेरे ख्याल में कोई एक शख्सियत नहीं आई, एक बच्चा नहीं आया। वो बच्चा है, उसको हमने अपने सामान की हिफाजत के लिए दरख्त के नीचे ऊँटों के साथ छोड़ दिया। उसने कहा, नहीं, उसी बच्चे को तो लाओ। इन्होंने उस बच्चे के लिए दावत की है, मैंने उस बच्चे को लाया गया रसूलुल्लाह को, और कहा गया रसूलुल्लाह से कहा कि तुम लात व इज्जा की कसम खाओ कि तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। लात व इज्जा उनके बुत थे, रसूलुल्लाह ने फौरन इनकार कर दिया, तो वो समझ गया और यकीन उसको हो गया। उसने कुछ सवालात किए जो सोने से मुतालिक थे, हालत नौम से मुतालिक थे।
और वो सवाल से जान गया कि ये नबी है। फिर कहा कि तुम अपनी कमीज ऊपर करो, तो शाने मुबारक पर दोनों कंधों के दरमियान शाने मुबारक पे मोहरे नबूवत थी। वो फौरन जो है पहचान गया कि ये नबी है। अबू तालिब को कहा कि देखो तुम शाम ले जा रहे हो, लेकिन चूंकि ये होने वाला नबी है, वहां पे मौजूद ईसाई इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हसद में आगे कब्र कर देंगे। चुनाचा जरूरी है अगर तुम इसकी जान की हिफाजत चाहते हो तो वापस ले जाओ। हजरत अबू तालिब 36,000 दिरहम के मकरूज थे, इतना खर्चा वो कर चुके थे, ये भी खर्च में जाता, लेकिन उनको रसूलुल्लाह की जान अजीज थी। फौरन वापस हुए और रसूलुल्लाह को बाहिफाजत मक्के वापस गया। तो हजरत अबू तालिब रसूलुल्लाह को अपने साथ रखते, अपने वतन में भी कुछ देर के लिए भी रसूलुल्लाह आंखों से होजल हो जाते तो फौरन घबरा के बाहर निकल आते। और हमको हमेशा ये यकीन था कि अगर रसूलुल्लाह कत्ल हुए तो कुरैश के सरदारों के हाथों कत्ल होंगे। एक दफा रसूलुल्लाह सुबह से नजर नहीं आए, बनी हाशिम के नौजवानों को साथ लिया और ये कहा कि जाओ तुम बनी हाशिम के जो कुरैश के सरदार हैं उनके साथ एक एक करके बैठ जाओ और अपनी आस्तीनों में खंजर छुपा लो। अगर मैं मोहम्मद को ढूंढने जा रहा हूं, अगर मैं वापस आया और तुम मोहम्मद को मेरे साथ ना पाओ तो अबू जहल को कत्ल कर देना, जो जमाने में उनका सरदार हुआ करता था। चुनाचा आप ढूंढने के निकले तो सफा के मुकाम पे कोई सफा पर रसूलुल्लाह नजर आए, बड़े खुशी उनको साथ लेकर आए। जब हरम में दाखिल हुए तो उन्होंने इशारा किया नौजवान आने बनी हाशिम को, उन्होंने अपने आस्तीनों से खंजर निकाले। उस वक्त बाबा से बुलंद अबू तालिब ने सरदारा ने कुरैश को मुखातिब होकर कहा कि देखो आज मोहम्मद मुझे नजर नहीं आए, चुनाचा मैंने समझा तुम लोगों ने उसे कतल कर दिया। चुनाचा मैं ढूंढने निकला और उनको मैंने इशारा कर दिया था कि अगर मेरे साथ मोहम्मद को ना पाओ तो अपने सरदार को कतल कर देना, बनी कुरैश के सरदारों को जिनमें अबू जहल सबसे बड़ा था। तो अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी बात सोची, साजिश करने की कोशिश की, तो याद रखना कि मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगा। और आपने देखा, आपने सुना हजरत अबू तालिब की शहादत के बाद किस तरह रसूलुल्लाह के कत्ल के मंसूबे बनाए गए। हिजरत की जो रात थी वो दरअसल रसूलुल्लाह के कत्ल की साजिश की रात थी, उसी रात रसूलुल्लाह को कत्ल करने का बहाना बनाया गया, साजिश बनाई गई थी। और कुरैश के तमाम लोगों को, कुरैश के तमाम सरदारों को ये जिम्मेदारी सौंपी दी गई थी कि तुम्हें रसूलुल्लाह के कत्ल में शरीक होना है ताकि एहसास किसी एक कबीले से तलब ना किया जा सके और कोई कबीला भी बनी हाशिम का साथ ना दे क़िसास लेने में। तो हज़रत अबू तालिब ने फौरन ये बदला दिया कि देखो अगर तुमने रसूल की तरफ, मेरे भतीजे की तरफ, मोहम्मद की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा ये भी मान लीजिए, ये भी देख लीजिए कि क्या अबू तालिब मक्के वालों के दुश्मन थे, उनकी नीस तो नाबूदी चाहते थे, उनकी शिकस्त हार चाहते थे, उनका नुकसान चाहते थे, या खुद रसूलुल्लाह नहीं ऐसा नहीं, वो उनकी फलाह चाहते थे दुनिया में भी और आखिरत में भी, और पूरी कोशिश करते थे। अगर दुनियावी एतबार से कोई फायदा दे सके तो दिया करते थे, और अगर आखिरत के एतबार से फायदा दे तो दिया करते थे। चुनाचा मक्के में काफी अरसे से एक दफा बारिश ना हुई, लोग कहर से मरने लगे, तो हजरत अबू तालिब रसूलुल्लाह को लेकर आए और आसमान की तरफ निगाह बुलंद करके रसूलुल्लाह के वसीले से दुआ मांगी, और जब दुआ मांगी तो बारिश हुई, और ऐसी बारिश हुई कि पूरा मक्का जलथल हो गया। इसका खूबसूरत मंजर आप आई हुई फिल्म मोहम्मद में देख सकते हैं, जो कि ईरान की तरफ से बनी है और बहुत खूबसूरत मूवी है और सबसे महंगी मूवी इस वक्त ईरान की उसको कहा जाता है। और उन्होंने बनाई है जिन्होंने आसमानी बच्चे बनाई थी, जिसने 9 ऑस्कर अवार्ड जीते थे एक जमाने में। खुद मोहम्मद की मूवी को भी ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। अमेरिका, कनाडा वगैरह में चल चुकी है, इंग्लैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक में इस पर पाबंदी लगाई है सऊदी अरब की तरफ से कि इस मूवी को ना दिखाया जाए। बहरहाल एक मुतनाज़ मूवी है, लेकिन मुतनाज़ मूवी उनके एतबार से, हमारे एतबार से नहीं। इसमें रसूलुल्लाह के इब्तदाई 12 साल पर मुश्तमिल हालात ज़िंदगी दिखाई गई है। पार्ट 2 और पार्ट 3 आना बाकी है, लेकिन इस पहली मूवी में इतनी लेदे हो चुकी है कि कुछ नहीं मालूम आइंदा आने वाली मूवी पे क्या होगा। लेकिन सिनेमेटोग्राफी के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से जो कि मूवी के ट्रेलर्स मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत, जिसे कहते हैं कि इब्तदाई ज़िंदगी को आजमाया, फिल्माया गया है। तो रसूलुल्लाह और खुद बनी हाशिम के लोग पूरी कोशिश किया करते थे, जैसे हमने आपको बताया तिजारत के हवाले से किस तरह उन्होंने मुल्क मुल्क दौरा किया और कहा कि मक्के आकर हम तिजारत करें ताकि मक्के वालों को फायदा हो। तो उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन मक्के वाले नहीं माने, उनकी सरदारी जो है वो खतरे में पड़ गई थी।
बनु मैया वैसे ही घात लगाए बैठा था कि सैयदुल बधा या खाने काबा की जो मेज़बानी है इनके जिम्मे आ गई है, और अगर रसूलुल्लाह नबी हो गए, हमने उनको नबी तस्लीम कर लिया तो हमेशा के लिए छुट्टी हो गई हमारी, आइंदा के लिए भी मेज़बानी हमारे हाथ से गई। और बनु उमैया कोई सआदत मंदी बरकत नेकी सवाब की खातिर तो मेज़बानी नहीं चाहते थे, वो वही मेज़बानी चाहते थे जो आजकल हो रही है, यानी प्रॉफिट के लिए, दो पैसे के लिए और फायदे के लिए। और ये कहा भी जाता है कि एक ज़माने में अबू तालिब से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से भी पहले, कि जब दोनों में एक झगड़ा शुरू हुआ खाना काबा की मेज़बानी के हवाले से, तो तय ये पाया कि एक साल बनी हाशिम मेज़बानी करेंगे और दूसरे साल बनु उमैया। इत्तेफाक की बात यह है कि जब बनी हाशिम की बारी आती तो खूब खूब मेज़बानी होती, खूब अच्छी तरह इंतज़ाम किया जाता, खूब खिलाया पिलाया जाता, लोगों को कोई शिकायत नहीं। लेकिन जब बनु उमैया का साल आता है, मेज़बानी की बारी आती, तो उस साल खाना कम पड़ जाता, बड़ा बदशगुनी, बड़ी बदशगुनी समझी जाती है हमारे यहाँ दावत में, अगर खाना कम पड़ जाए, न्याज कम पड़ जाए। खैर, अच्छा भी समझा जाता है कि माशाल्लाह लोग इतने आए कि न्याज कम पड़ गई, लेकिन उनके यहाँ बड़ी बुरी बदइंतजामी जिसे कहते हैं सूरत हाल देखने में आती थी, और खाना कम पड़ जाता था, लोग हमेशा शिकवे शिकायत लेके जाते थे, तो इससे वो और नाला हुआ करते थे। और जब नबी आ गए, बल्कि आपने ये सुना भी होगा, अबू जहल से किसी ने पूछा रसूलुल्लाह की सिफात गिनवाकर कि क्या ये नबी कहलाने के काबिल नहीं, तो हमने कहा बिल्कुल मेरे हिसाब से तो नबी है ये। तो कहने वाले ने अबू तालिब अबू जहल से पूछा, तो फिर तुम इनको नबी क्यों नहीं मानते? तो अबू जहल ने कहा कि बनी हाशिम और हमारा कबीला तमाम एतबार से, तमाम जहतों से एक जैसा है, तो फिर नबी बनी हाशिम से क्यों आया? बस ये उनको जहन था, ये उनको कौल था कि नबी बनी हाशिम से क्यों आया, हमारे हवाले से क्यों नहीं आया? तो रसूलुल्लाह के वसीले से बारिश पहले भी हुई, फिर उसके बाद इब्ने अब्बास के हवाले से वाकया मिलता है कि खलीफा दोयम ने इब्ने अब्बास को लाकर उनके वसीले से रसूल अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि पहले इनके चचा के हवाले से हम दुआ किया करते थे, अब उनके बेटे इब्ने अब्बास के वसीले से दुआ कर रहे हैं और बारिश हो जाया करते थे। वसीयत अबू तालिब, जब हजरत अबू तालिब का आखिरी वक्त आया, तो पहले वो रिवायत सुन लीजिए जो हमारे यहाँ है। हमारे एतबार से जब हजरत अबू तालिब की रहलत का वक्त आया, जो कि खुद उनकी किताब सीरत इब्ने हिशाम में मौजूद है ये वाकया, तो रसूलुल्लाह मौजूद थे सामने और उन्होंने कहा कि चचा वो कलमा पढ़ दीजिए, वो बात दोहरा दीजिए अपनी जबान से जो मैंने आपको कही थी। तो हजरत अबू तालिब ने कलमा शहादत पढ़ दिया अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह की रिसालत का। रसूलुल्लाह बहुत खुश हुए, बल्कि उन्होंने अपनी जबान हिलाई लब हिलाए, इब्ने अब्बास ने अपना कान उनके करीब ले जाके सुना और खुशी खुशी ये कहा कि रसूलुल्लाह उन्हें वो बात कह दी जो आप कहना चाहते थे, जो आप कहलवाना चाहते थे। रसूलुल्लाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि आपने उसकी वहदानियत का इकरार किया। लेकिन दुश्मनों ने इस हदीस में थोड़ी सी टेम्परिंग की, तब्दीली की, और ये कहा कि जब हजरत अबू तालिब कुछ कहने का इरादा रखते थे तो उस वक्त अबू जहल भी मौजूद था। उसने कहा अबू तालिब को, ए अबू तालिब, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के मजहब में नाम नहीं मरोगे? उनकी नजर में अब्दुल मुत्तलिब भी काफिर थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पे मर रहा हूँ। तो अगर उनके मजहब पे भी मरे तो हमारे हिसाब से सही मरे, ईमान पे मरे, ईमान पे उनका जो है वो इख्तिताम हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी हजरत अबू तालिब की तरह जो है साहिब ईमान थे। तो लोगों ने ये बात फैला दी कि उनका जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने जो है ये कहना पसंद किया और दुनिया से इस तरह जाना पसंद किया कि मैं आखिरी वक्त में जो हूँ लोगों के डर से या अपने भतीजे के डर से इस्लाम क्यों कबूल करूँ, मैं अब भी उसी मजहब पे रहूँगा जो पहले था। तो हमारे इतबार से पहले भी वो इस्लाम पर थे, आखिर में भी इस्लाम पर थे। हाँ, अलल एलान इस्लाम का इजहार वो अपने मरते वक्त किया। अंगूठी पे इनका नक्श मौजूद था, रदी तो बिल्लाह रब्बन व इब्ने अखी मोहम्मद नबीयन बे अब्ने बे इब्ने अली वसीयन, कि मैं राजी हूँ कि अल्लाह मेरा रब है और मेरे भाई का बेटा मोहम्मद मेरा नबी है और मेरा बेटा अली वसीयन। ये उनकी अंगूठी पे नक्श था। तो इससे भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आदमी अंगूठी पे वही नक्श करवाता है कि जो उसका अकीदा होता है, बल्कि अंगूठी पे नक्श दरअसल उस जमाने में स्टैम्प की हैसियत रखता था। लोग अगर कभी खत लिखते थे तो अपनी अंगूठी से दस्तखत किया करते थे, वही उनकी जो है वो एक मोहर हुआ करते थे।
तो ये वक्त शहादत उनकी वसीयत थी, और उससे पहले भी वो कहा करते थे कि ए बनी हाशिम मोहम्मद की तस्दीक करो, उनकी इताअत करो ताकि हिदायत और निजात पाओ। यानी अपने लोगों को ये कह रहे कि रसूल की इताअत करो ताकि तुम हिदायत पाओ। हिदायत कौन सी? आखिरत की हिदायत। और इससे पहले भी कहा करते थे कि ए कुरैश के लोगों, तुम रसूलुल्लाह की बात मानो कि वो सबसे बढ़कर अमानतदार यानी अमीन, और सबसे बढ़कर रास्तगो यानी सादिक है। ये उनका आखिरी वक्त अंगूठी का नक्श और वक्त शहादत उनकी गवाही, अल्लाह की वहदानियत के हवाले से, रसूल की रिसालत के हवाले से, और उसके बाद मासूमीन की गवाही खुद अबू तालिब के बारे में। लेकिन एक 5 मिनट के वक्फे के बाद एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب ابو طالب کے حوالے سے ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ کہ ایمان ابو طالب پہ معصومین کی گواہی یقیناً آخری گواہی ہوگی پہلی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے فرمایا کہ 4 لوگوں کی خصوصی شفاعت کی اجازت میں نے اپنے رب سے لی ہے، اور وہ ہیں میری ماں، میرا باپ، میرے چچا اور رضائی بھائی۔ تو ایمان ابو طالب تو ایک طرف، بہرحال 4 لوگوں کی خصوصی طور پہ شفاعت رسول اللہ کو ملی ہے، ماں باپ چچا اور رضائی بھائی۔ مولا علی اپنے والد محترم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، یہ ان کا تبصرہ یا روایت ذاتی نہیں ہے، بحیثیت امام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ابو طالب کا نور اپنی چمک سے دوسرے نوروں کو مات کر دے گا، سوائے 5 اشخاص کے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ یعنی دیگر آئمہ کا نور بھی ابو طالب کے نور کے آگے مدھم پڑ جائے گا، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ خود ابو طالب رسول اللہ کے پالنے والے، جس نے انسانیت پر احسان کیا اس کا کیا درجہ ہوگا، اور جس نے محسن انسان پر احسان کیا اس کا کیا درجہ ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایسا تھا تو نزاع ایمان ابو طالب کی بنیاد کیسے پڑی، یہ تنازع شروع کیسے ہوا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو طالب مسلم اور مومن تھے، وہ بنی ہاشم کے ساتھ قریش کی دشمنی کے پیش نظر اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ اور بہت سیدھی سی وجہ ہے، اگر وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دیتے تو جو پہلی بات، پہلا نقصان ان کو اٹھانا پڑتا، وہ سید البتحا یا سرداری سے ہاتھ دھونا، اور جب وہ سرداری سے ہاتھ دھو بیٹھتے تو پھر وہ طاقتور شخصیت نہ رہتے، اور وہ رسول اللہ کی مدد نہ کر سکتے۔ چنانچہ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو کافر ثابت کیا، ظاہر کیا، لیکن اندرونی طور پہ وہ مومن، جس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا کہ اگر وہ کافر ہوتے تو پھر حضرت علی کو خصوصی طور پہ کیوں کہتے، اور دیگر افراد کو کیوں کہتے کہ تم رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھو، رسول اللہ کی مدد کرو۔ خود رسول اللہ کو کبھی انہوں نے منع نہیں کیا، خود حضرت علی کو کبھی منع نہیں کیا۔ جب کفار آئے تھے ابو طالب کے پاس یہ کہنے کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، تو جب حضرت ابو طالب نے رسول اللہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے تو
तो भी मैं इस काम से बाज नहीं आऊंगा, चाहे इस राह में मेरी जान चली जाए या अल्लाह मुझे कामयाबी से हमकिनार करे। तब्बत आलिम ने ये नहीं कहा कि अब मेरी जिम्मेदारी तुम पर से उठ गई, बल्कि ये कहा कि तुम अपने काम को जारी रखो, मैं कुरैश के लोगों से खुद निमट लूंगा। तो इस मौके पर भी उन्होंने जो है अगर रसूलुल्लाह से बात की तो हिकमत ने अमली के हवाले से बात की होगी, ये नहीं कहा कि कतल इसको छोड़ दो या मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ये बेहतरीन वक्त था कि जब वो ये कहते, और उन्होंने ये कहा कि कुरैश वालों ने कहा है कि तुम उनके दीन के बारे में ये बातें करते हो, उनके दीन के बारे में, ये नहीं कहा कि तुम हमारे दीन के बारे में ऐसी बातें करते हो। तो कुरैश की शिकायत के बावजूद, अच्छा उन्होंने ये भी कहा था कि या तो तुम मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो या तुम खुद बात कर लो, तो ना उन्होंने बात की यानी इसरार किया इस काम को छोड़ने पे, और ना रसूलुल्लाह को कुरैश के हवाले किया। खुद हजरत अली ने अपनी औलादों को अपने वालिद अबू तालिब के लिए हज नियाबत जिसे कहते हैं बजा लाने की ताकीद की, जो हम करते हैं अक्सर फला मरहूम की तरफ से हज, तो मुझे बताइए कि हज किसकी तरफ से होता है? अगर अबू तालिब ने पहले हज नहीं किया तो पहले तो हज वाजिब नहीं था, रसूलुल्लाह के इंतकाल से एक साल पहले हुआ, तो हजरत अली ने जब अपनी औलादों को हज बजा लाने का हुक्म दिया तो यकीनन किसी मुसलमान के लिए ही हज होता है, काफिर के लिए नहीं होता। तो यहां से भी ये बात साबित हो गई कि हज जो है वो हजरत अबू तालिब के लिए था और हजरत अबू तालिब इस्लाम के लिए था। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले में हमारे चौथे इमाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम किया ईमान अबू तालिब के हवाले से, उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुसलमान औरत काफिर मत से निकाह में रहे उसके कुफर के बावजूद? अगर अबू तालिब काफिर थे तो यकीनन अग़यार की नजर में फातिमा बिनत असद तो मुसलमान थी, अगर वो मुसलमान थी तो किस तरह अबू तालिब के निकाह में थी? इसका मतलब है दोनों मुसलमान थे, और अगर वो काफिर हो गए तो उनका निकाह टूट जाना चाहिए। जिस तरह रसूलुल्लाह की जौजा जनाबे मैमूना के शौहर हिजरत हबशा के दौरान हबशा वालों से मुतासिर होके ईसाई हो गए थे, तो निकाह फस्क हो गया, उनका टूट गया। अगर वो वापस आती तो अपने कबीले में वापस ना जा सकती थी, चुनाचा फिर रसूलुल्लाह ने उनसे निकाह किया। और खुद निकाह तो बहुत दूर की बात है, हजरत अबू तालिब और फातिमा बिनत असद के निकाह की बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो खुद रसूलुल्लाह और जनाबे खदीजा का निकाह पढ़ाया, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि निकाह की इब्तिदा उस खुतबे से हुई जिसमें अल्लाह का नाम लिया गया, अल्लाह की हम्द बयान की गई। खुद रसूलुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि रसूलुल्लाह ने कभी भी किसी काफिर के साथ बैठ के खाना नहीं खाया, काफिर और मुशरिक के साथ बैठ के खाना नहीं खाया सिवाय अबू तालिब के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हजरत अबू तालिब काफिर नहीं थे, मुशरिक नहीं थे, मोमिन थे, जब भी रसूलुल्लाह ने उनके साथ खाना गवारा किया। जब हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से जनाब अबू तालिब के हवाले से पूछा गया तो आपने कहा कि अबू तालिब का ईमान और आज के लोगों का ईमान दूसरे पलड़े में, अबू तालिब का ईमान एक पलड़े में और आज के लोगों का ईमान दूसरे पलड़े में रखा जाए तो अबू तालिब का ईमान भारी होगा। अब अंदाजा लगा लीजिए इमाम बाकर के अलैहिस्सलाम के जमाने में कितने बड़े बड़े पक्के रासिदा शिया और मोमिनीन हुआ करते थे, लेकिन उनका ईमान तमाम लोगों का एक तरफ और जनाब अबू तालिब का ईमान एक तरफ। जनाब अबू तालिब का ईमान तमाम लोगों पर भरा हुआ। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं अबू तालिब का ईमान मिसले अस्हाबे कहफ था,
चुनाचा उनको दुगना अजर दिया जाएगा। अब ये बात कि अगर उनके बुत परस्ती के किस्से नहीं तो उनको नमाजों के किस्से क्यों नहीं मिलते, तो हम वही बात कहेंगे कि तकय्यम था उनका ईमान, जैसे मिसले अस्हाब कहफ जिन्होंने तकय्या किया बता अपने जमाने में। तो अगर कोई तकय्या करे और अपने दिल के ईमान को जाहिर ना करे, इसमें कोई हर्ज नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है और इसकी इजाजत इस्लाम ने दी है। आठवें इमाम इमाम मूसा रज़ा अलैहि सलाम कहा करते थे, जब उनसे ईमान अबू तालिब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईमान अबू तालिब में शक करने वाले का ठिकाना जहन्नम है। हमारे 11वें इमाम जिनकी विलादत अभी सानी आने वाली है जमेरात के दिन, वो फरमाते हैं कि अबू तालिब का ईमान मोमिन आले फिरौन की तरह था। जरा फिरौन के दरबार में जो मोमिन इनके वजीर एक था कि जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने ईमान को छिपाया हुआ था, तकय्ये में था और किसी तरह उसकी जबान से कभी खुदा का कलमा या नाम निकल गया तो फिर बादशाह को शक हुआ और उसने उनको शहीद करवा दिया। असहाबे कहफ मोमिन आले फिरौन, इस तरह की कई मिसालें तारीख में हमें मिलती हैं कि जब लोगों ने अपने ईमान को दुश्मन के जरर से बचने के लिए छुपाया, और यही काम हज़रत अबू तालिब ने भी किया, लेकिन कभी भी उनको बुत परस्ती शराब जुए और दीगर महरमात में नहीं देखा किसी ने। अब आइए हमारी गुफ्तगू का छठा मरहला, उलमाए अहले सुन्नत अबू तालिब के बारे में क्या कहते हैं। दुरूद पढ़ते मोहम्मद अली पर। अल्लामा बरज़ंजी आलिम अहले सुन्नत अपनी किताब ज़ियाउल आलमीन, जो कि फ़कत उन्होंने ईमान अबू तालिब के लिए वक्फ की है, जिसमें पूरा चैप्टर ईमान अबू तालिब के हवाले से है, दलाइल पेश की है उन्होंने ईमान अबू तालिब के। उसके बाद इमाम अहमद फरमाते हैं कि अबू तालिब से कीना कुफर का इर्तिकाब, कुफर के इर्तिकाब के बराबर है, यानी कीना भी रखना, उनके बारे में कोई दुश्मनी वाली बात दिल में रखना। अल्लामा तलमिसानी फरमाते हैं अबू तालिब को बुराई से याद करना रसूलुल्लाह को दुख देना है, और ऐसा शख्स कत्ल के काबिल है। उलमाए अहले सुन्नत में एक कसीर तादाद खुद यूट्यूब पे जनाब तारिक कादरी की क्लिप मौजूद है, आप चाहें तो उसको देख लीजिए। कई उलमाए अहले सुन्नत के रेफरेंसेस हवाला जात उस पर मौजूद हैं, तारिक की किताबों में सीरत इब्न हिशाम सरे फहरिस्त है कि जिसमें हज़रत अबू तालिब के ईमान के बारे में वाकयात मौजूद हैं। एक गलत रिवायात बल्कि चंद गलत रिवायात के बारे में वजाहत जो ज़रूरी है हज़रत अबू तालिब के हवाले से हमें मिलती है। सही बुखारी के एक हदीस के मुताबिक जहन्नम में कम तरीन आज़ाब अबू तालिब को दिया जाएगा नऊज़ु बिल्लाह, कि जिसमें उनको आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिनकी तपिश से उनका दिमाग उबल पड़ेगा, नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। तो ये और किसी ने पूछा भी था रसूल अल्लाह से कि आप तो जन्नत में होंगे और आपकी चाचा अबू तालिब जहन्नम में, तो उन्होंने कहा कि कम अज़ कम वो शयातीन के हमसाए नहीं होंगे और सांप और गुच्छी उनको नहीं काटेंगे कम अज़ कम, और जो कम से कम आज़ाब दिया जाएगा वो आग की जूतियों का आज़ाब है। ये एक मनगढ़ंत रिवायत है जिसके बारे में हमारे पास रिवायत दलाइल मौजूद है। पहली वजह तो ये हदीस मुरसल है,
यानी इसका रावी नामालूम है, और रावी कौन है? वाहिद रावी है, हबीब इब्ने अभी साबित, जो कि सक्का भी नहीं, यानी झूठा सच्चा नहीं है, अपनी रिवायतों में सच्चा नहीं है। नंबर तीन, इब्ने अब्बास से जो रिवायत की है हबीब इब्ने अभी साबित ने, इब्ने अब्बास की बहुत सारी रिवायतें खुद हजरत अबू तालिब के ईमान पर दलालत करते हुए, तो वो इतनी सारी रिवायत फकत एक रावी की रिवायत से कैसे गलत साबित हो जाएंगी? तो नामालूम रावी है, और रावी भी सक्का नहीं है, जिसमें एक और रावी आया है, और दीगर रिवायत जो अपने अब्बास से मरवी है वो इससे टकराती है, इसलिए ये रिवायत गलत है। कुरान की एक आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 113 जो गलत तरीके से हजरत अबू तालिब के हवाले से मंसूब की जाती है, वो क्या है? मा काना लिन नबी वल्लजीन आमनु अन यस्तगफिरु लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम असहाबुल जहीम। नबी और साहिबान ईमान की शान ये नहीं है कि वो मुशरिकीन के हक में इस्तगफार करें, चाहे वो उनके बराबरदार ही क्यों ना हो, जबकि ये वाज़े हो चुका है कि ये असहाबे जहन्नम है। इस रिवायत का पस मंजर जो अहले सुन्नत बयान करते हैं वो ये कि जब रसूलुल्लाह ने देखा कि अबू तालिब का इंतकाल हो गया है और वो कलमा यहाँ पढ़कर नहीं गए इस दुनिया से, तो उन्होंने कहा कि खुदा की कसम मैं तो अपने चचा के लिए इस्तग़फ़ार करता रहूँगा जब तक कि वही नाज़िल ना हो जाए, और कुछ अरसे वो मग़फ़िरत तलब करते रहे अल्लाह से अबू तालिब के हवाले से। लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई सूरह तौबा की आयत नंबर 113 तो रसूलुल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत तलब करना बंद कर दिया। सादा सा आसान सा जवाब रद्द दलील के तौर पे ये है, सूरह तौबा मदनी सूरह है, जबकि हजरत अबू तालिब का इंतकाल मक्के में हो चुका था, 3 साल पहले हिजरत से हजरत अबू तालिब का इंतकाल हो चुका था, और मदीने में यह सूरह नाजिल हुई। चुनांचे ये सूरह, ये आयत 113 मदीने के मुशरिकीन और मुनाफिकीन और कुफार के लिए थी, हजरत अबू तालिब के लिए होती तो ये आयत मक्के में नाजिल हुई। तो ये हदीस और ये रिवायत दोनों अपने दौर पे गलत मंसूब की गई हैं, हदीस तो है ही गलत, और ये आयत मदीने के मुशरिकीन और कुफार के लिए है। आखिर में हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम छठे इमाम के पास एक शख्स आया और कहने लगा फला शख्स ने मुझसे कर्ज लिया हुआ है और वो कर्ज वापस नहीं कर रहा, मैं नाउम्मीद हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ? इमाम ने कहा कि तुम 5 शख्सियतों की नियाबत में तवाफ करो, यानी 5 शख्सियतों के लिए तवाफ अलग अलग, और फिर हर तवाफ के बाद 2-2 रकत पढ़ो, और फिर अल्लाह ताला से इन शख्सियत के वसीले से दुआ मांगो, तो इंशाल्लाह वो शख्स तुम्हारा कर्ज वापस कर देगा। अच्छा, वो शख्स भी मौजूद था उस वक्त हज के मौके पे वहाँ पर। चुनांचे उस शख्स ने तवाफ किया और हर तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, और जो 5 शख्सियात इमाम ने बताई थी उनसे उनको मंसूब किया, यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब, अब्दुल्ला, फातिमा बिनते असद, आमना बिनते बाब, यानी रसूलुल्लाह के दादा, रसूलुल्लाह के चचा, रसूलुल्लाह के वालिद, रसूलुल्लाह की चची फातिमा बिनते असद, और रसूलुल्लाह की वालिदा आमना बिनते बाब, 5 शख्सियत के हवाले से। कहते हैं उस शख्स ने जब ये वजीफा मुकम्मल किया, यानी 5 शख्सियात के हवाले से तवाफ किया और फिर नमाज पढ़ी, और उसके बाद जैसे ही वो हरम से निकला तो सामने हरम के बाहर वो शख्स खड़ा हुआ था जिसने कर्ज लिया था, और वो उसके पैसे वापस करने आया था। तो अगर किसी ने आपका कर्ज दबाया हुआ है तो आप जाएं मक्के वहां पर, और ये हुआ है जब हम गए थे अजमेर,
वहां पे मौलाना साहब ने हमें किस्सा सुनाया और कहा इस बहाने इस तरीके से कई लोगों के कर्ज वापस हुए, लेकिन अफसोस के साथ किसी ने वापस हमारी खबर न ली। यानी जिन्होंने तरीका बताया था कराची में आप किसी से फ्लैट खाली करवाएं तो लाख दो लाख तो लेगा, या कर्ज वापस करवाएं तो कुछ तो वो परसेंटेज लेगा। बहरहाल तो ये एक तरीका है। और आखिर में तूलानी गुफ्तगु से बचने के लिए आखिरी जुमला कि अबू तालिब के फजाइल के लिए काफी है कि वो अली के भी बाप थे। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.